पद्मावती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और राजपूत सभा के द्वारा फिल्म रिलीज करने पर दी गई धमकियों से हमीरपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हमीरपुर मुख्यालय पर 2 सिनेमा घरों में भी फिल्म रिलीज को लेकर पुलिस ने सुरक्षा चकाचौंध करने के साथ साथ पैनी नजर रखी जा रही है ताकि फिल्म रिलीज पर कोई घटना न घटित हो सके। SP हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि सिनेमा घरों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयारी की है और पुलिस ने योजना बनाकर फिल्म रिलीज के समय नजर रखी जाएगी। SP रमन कुमार मीणा ने बताया कि पद्मावत फिल्म रिलीज को लेकर मिल रही धमकियों के बाद हमीरपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि सिनेमाघरों के आसपास पुलिस का पहरा रहेगा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने स्तर पर भी छानबीन करने में जुटी है ताकि जनता की रक्षा की जा सके। गौरतलब है कि फिल्म पद्मावत की रिलीजिंग को लेकर हमीरपुर के नदौन क्षेत्र में भी SDM के माध्यम से राजपूत सभा इकाई सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसके कारण अब हमीरपुर में भी फिल्म रिलीज को लेकर विवाद होने की आशंका के चलते पुलिस ने एहतियात बरतने का निर्णय लिया है। देखिए, पद्मावती जो मूवी है पद्मावत नाम से रिलीज हो रही है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, सेंसर बोर्ड और राज्य सरकार तीनों ने अनुमति दे दी है, तो उसके बाद में हमीरपुर प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस फिल्म को हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शित होने दें। उसके लिए हमने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के रखे हैं, QRT हमने लगाई है, साथ ही साथ पुलिस के जवानों को तैनाती दी है और कैमरा से निगरानी रखी जाएगी। कोई भी किसी तरह की घटना होती है तो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो ये हमने विशेष तौर पर पद्मावती के प्रदर्शन को लेकर तैयारियां रखी हैं। साथ ही जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं उनसे भी उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, तो उन्हें भी पूरा आश्वासन मैंने दिया है सुरक्षा का। क्या सर, सिनेमा घरों के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? सिनेमा घर क्योंकि यहाँ पर एक ही है हमीरपुर में और उसकी पूरी सुरक्षा हमने उपलब्ध करवाई है। साथ ही जो हमारा इंटेलिजेंस का सेटअप है उसको भी हमने तैयार रखा हुआ है इस काम के लिए, और जो हमारे पास अभी तक सूचना है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी किसी घटना की संभावनाएं काफी कम है। फिर भी अगर होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।